अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आके मुदस्सर अगेन, इम्प्लांट पे बात करूँगा आज। हमें जब मिसिंग दांत होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि हम इम्प्लांट कराएं अगर पॉसिबल है। बाज़कत हड्डी बहुत कम होती है जिसमें आपकी जो विड्थ और हाइट नहीं है तो हम इम्प्लांट नहीं कर सकते, वो एक और चीज़ है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ केयर इम्प्लांट ही है जिसमें आपको साठवे दांतों को ग्राइंड नहीं करना पड़ता, पार्शल है उसमें अपनी डिस्कम्फर्ट होती है। तो इम्प्लांट के लिए ज़रूरी है कि आपकी बोन हाइट और विड्थ इतनी होनी चाहिए कि उसमें इम्प्लांट सेंटर में प्लेस हो जाए। अगर वो बहुत बाहर की तरफ है, उसका एंगल ठीक नहीं है, वो बाद में प्रॉब्लम करता है। ये होता है कि अब दांत बिल्कुल सरफेस के पास लगाते हैं, हड्डी है नहीं है, लेकिन लोग रिफ्यूज़ नहीं करते कि जी हाँ हो जाए। दूसरा ये है कि मोस्टली हमें अवॉइड करना होता है एक्सट्रैक्शन के सेम डे इम्प्लांट। बेहतर होता है कि दांत जो है वो पहले हील हो जाए और उसके बाद हम इम्प्लांट करें। कुछ जगह होती हैं सिचुएशंस जिसमें हम जिस दिन दांत निकला उसी दिन इम्प्लांट कर सकते हैं और उसका सक्सेसफुल एक्सपीरियंस होता है। क्यों, जब भी हम इम्प्लांट करें ये एक लॉन्ग टर्म इसका प्रोग्नोसिस रिक्वायर्ड होता है। ये नहीं कि दो चार साल के लिए आपने कोई ट्रीटमेंट कराई और उसके बाद आप फारिग हो गए। अगर हम प्रॉपर टेक्निक्स के साथ, प्रॉपर केस सिलेक्शन के साथ इम्प्लांट करें तो उसका सक्सेस रेट 97% और इट्स सपोज्ड टू लास्ट लाइफ।